ओहो, ये अरिजीत सिंह और दोस्तों सलमान खान के बीच की कोल्ड वॉर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक कांड पूरा होता है तो दूसरा कांड शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 2016 में अरिजीत सिंह ने एक माफ़ीनामा भी जारी किया था, एक ओपन लेटर किया था कि भाईजान जग घूमिया जो सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया है आपकी फ़िल्म के लिए उसे प्लीज़ एल्बम में रखिए, निकालिए नहीं। लेकिन सलमान खान ने दोस्तों एज़ यूजुअल उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक अवार्ड फंक्शन के दौरान सलमान खान की होस्टिंग के समय अरिजीत सिंह ने दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट पास किया था और बोला था कि आप लोगों ने तो बोर कर दिया, सुला दिया आप लोगों ने ऐसा वैसा करके। तो ऐसे में दोस्तों अभी तक भाईजान भूले नहीं है उस बात को लेकर, और भाईजान अक्सर अपनी फिल्मों में जो गाने हैं वो अरिजीत सिंह से नहीं गवाते हैं, चाहे वो किक हो, प्रेम रतन धन पायो हो, या फिर सुल्तान हो, बजरंगी भाईजान हो। लेटेस्ट एक और खबर है दोस्तों कि वेलकम टू न्यूयॉर्क में मेकर्स ने एक जो सॉन्ग है इसमें बहुत प्यारा सा रोमांटिक ट्रैक, वो अरिजीत सिंह की आवाज़ में स्क्रैच जो होता है ना सॉन्ग ओरिजिनल जो सॉन्ग होता है दोस्तों उससे पहले स्क्रैच रिकॉर्ड होता है, तो जो ओरिजिनल सॉन्ग रिकॉर्ड किया स्क्रैच में वो अरिजीत सिंह की आवाज़ से किया था। लेकिन भाईजान ने जब ये बात सुनी और भाईजान को जब पता लगा तो उन्होंने मेकर्स को साफ साफ बोल दिया कि ये गाना तो आप किसी भी एक्टर किसी भी सिंगर से गवा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब सलमान खान ने ये बात बोल दी, जिन्होंने एक्सटेंडेड कैमियो किया है एक तरह से, एक पूरा गाना शूट किया सोनाक्षी के साथ इस फिल्म में, तो भाई मेकर्स ने सोचा कि भाईजान की बात मान लेते हैं और उन्होंने अरिजीत सिंह की जगह ये जो सॉन्ग है राहत फ़तेह अली खान के सर से गवाया है। आई एम श्योर इसमें भाईजान की रिकमेंडेशन होगी क्योंकि राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं भाईजान के फेवरेट हैं और भाईजान भी उनके फेवरेट हैं, सारी चीज़ें वाइस वर्सा हैं, तो डेफिनेटली यही बात हुई होगी दोस्तों। और मैं तो चाहता हूँ कि यार ये जो कोल्ड वॉर है ख़त्म हो जाए इन दोनों की। सलमान खान सर जो हैं इतने बड़े दिल वाले हैं, इतना ज़्यादा लोगों को वो प्यार करते हैं, तारीफ़ करते हैं और वगैरह वगैरह, तो वो अरिजीत सिंह को माफ़ कर दें यार और कोशिश करें कि काम कर लें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि दोनों को साथ आना चाहिए? जो भी कहना है कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर मुझे बताएं। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल विद मी राहुल भोज फिल्मी आरा।